राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने मंगलवार की शाम को शाहजहांपुर टोल नाका पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे वहां का जो माहौल है और गर्म हो गया। जैसा कि हर कोई जानता है कि हनुमान बेनीवाल भाजपा सरकार का साथ छोड़कर आए हैं, और अब सरकार का साथ छोड़ना हिम्मत का तो काम है ही, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि किसानों के प्रदर्शन में गए बेनीवाल और उनके समर्थक किसानों से अलग क्यों बैठे हैं। इस सवाल के जवाब से पहले एक और सवाल यह है कि ये सांसद के समर्थक हैं या फिर सांसद के गुंडे हैं। आप खुद ही इस वीडियो को देख लीजिए। शाहजहांपुर टोल नाका पर जमकर तोड़फोड़ की गई और उत्पात मचाया गया, और यही नहीं, इस दौरान एक टोल के कर्मचारी को थप्पड़ तक मारा गया। और मामला सिर्फ इतना था कि टोल कर्मी वाहनों का टोल वसूलना चाहते थे, और अब टोल मामले पर इस तरह का जमकर बवाल करना ये गुंडागर्दी नहीं है तो फिर और क्या है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि बेनीवाल हो या फिर कोई और हो, सिर्फ किसानों के आंदोलन को डैमेज करने के लिए ये सब कर रहे हो? क्या ये सब कहीं राजनीति चमकाने के मकसद से तो नहीं किया जा रहा? आज जब लाखों की तादाद में किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी में मार्च करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो यही तो वो वक्त है जहां राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।